हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की जो रेसिपी है वो है आलू मटर मशरूम। दोस्तों इस रेसिपी की जो मेकिंग है वो बिल्कुल अलग है और आप देखना किस तरीके से हमने ये रेसिपी तैयार करी है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो मैंने लिए हैं, यहाँ पर 300 ग्राम बटर मशरूम लिए है और सबसे पहले हमें इसके साफ़ करने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों वो ये है, चाकू की नोक से हम ये इसका जो छिलका है वो उतार देंगे ऊपर से। ये आप देख सकते हैं पील ऑफ कर देंगे तो ये हट जाएगा और आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ये स्टेम होता है मशरूम का, इसको हटा देंगे। ये थोड़ा सा वुडी होता है और ये दूसरा तरीका है मशरूम साफ़ करने का। ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। तो ये हम थोड़ा आटा डाल देंगे सभी मशरूम पर और ऊपर से रब करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि जितनी भी इसमें कंपोस्ट वगैरह होती है वो इजीली साफ़ हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का रब करेंगे और जितना भी कंपोस्ट लगा होता है उसको साफ़ कर लेंगे और उसको फिर पानी में डालकर धो लेंगे। और धोने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो मशरूम है बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ कर लें। और अब मशरूम को क्या है हम काट लेते हैं। अगर मशरूम ज़्यादा बड़ी है तो उसको 4 टुकड़ों में काट लें और अगर छोटी है तो उसको 2 ही टुकड़ों में आप काट सकते हैं। तो इन सभी मशरूम को हम काट लेंगे और हमारी सारी मशरूम यहाँ कट कर तैयार है। दोस्तों कटी हुई मशरूम्स को हम बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ से जो मेन काम है हमारा, हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें हल्का सा मैरिनेशन देना है, तो उसके लिए हम एक कटोरी दही इसमें डालेंगे बाउल में, आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला अभी इसमें डालेंगे। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। दोस्तों जितनी देर में हमारी मैरिनेशन हो रही है दूसरी तरफ हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 150 ml मस्टर्ड ऑयल और सबसे पहले इसमें हम आलू के क्यूब्स जो हमने काट कर रख रखे थे उनको हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। और आलू जो हैं हमारे फ्राई हो चुके हैं ये आप देख सकते हैं और इसी स्टेज पर अभी जितनी भी आलू की क्यूब्स थी इन सभी को हम निकालेंगे प्लेट में। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले हमने लिए हैं, जैसे कि 1 चम्मच जीरा है, 4-5 लौंग हैं, 6-7 काली मिर्च हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 सिनमन स्टिक है और 4 हरी इलायची हैं। इन सभी मसालों को कढ़ाई में हम डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ पर तेल जो है मैंने 50 ml कम कर लिया है। मसालों को अच्छी तरह से स्टर करेंगे जब तक कि ये पफ ना हो जाएं। उसके बाद हमने जितनी भी प्याज चॉप कर रख रखी थी उन सभी प्याज को हम इसमें डाल देंगे और इनको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भुनेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों प्याज का जो कलर था वो बिल्कुल बदल चुका है। प्याज जो है हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसी स्टेज पर यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हम यहाँ इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने 3 बड़े टमाटर कट कर कर रख रखे हैं, इन टमाटरों को भी इसमें डाल देंगे। और टमाटर के बाद इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से ये टमाटरों को क्या है, सॉफ्ट कर देगा नमक, नमक का काम ही यही है। और अच्छी तरह से स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे और पकने देंगे। और दोस्तों यहीं इसी स्टेज पर हमने 4 हरी मिर्च काट कर रख रखी थी, ये हरी मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पे पकने देंगे। और 2-3 मिनट पकने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और बस इसके बाद आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से स्टर करेंगे
और टमाटर को फोड़ते हुए, क्रश करते हुए रेगुलर स्टर करते रहेंगे। और कुछ देर स्टर करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं तेल जो है हमारा ऊपर आ चुका है। और दोस्तों सभी चीज़ों को स्टर करने के बाद इसी स्टेज पर अभी हमने यहाँ पर 100 ग्राम मटर छील कर रख रखी थी, ये मटर हम इसमें डाल देंगे। और दोस्तों अब बारी है जो हमने मशरूम मैरिनेशन में रख रखी थी, वो मशरूम भी हम कढ़ाई में पलट देंगे और इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे और प्रॉपर जो है स्टर करते रहेंगे। और थोड़ी देर पकाने के बाद दोस्तों हमारे पास जो आलू थे जिन्हें हमें फ्राई करा था हमने, वो आलू भी अभी हम इसी स्टेज पे हम पलट देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी थी उसमें उबाल आ चुका है। और यहाँ पर एक कटोरी गर्म पानी इसमें हम डालेंगे। गर्म पानी से होगा ये कि हमारी जो कुकिंग है वो स्टॉप नहीं होगी। दोस्तों 5 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे अभी हम। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों उबाल जो है वो काफ़ी तगड़ा अच्छा आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर अभी हम इसमें 1 चम्मच भर के मीट मसाला डालेंगे। मशरूम का जो टेस्ट होता है दोस्तों वो वैसे भी थोड़ा सा मीठी होता है, और जो मटर है वो इसमें मिठास देगी, प्याज भी मिठास देगी, सबका अपना अपना फ्लेवर है। और अब 2 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे दोस्तों। और 2 मिनट पकने के बाद अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। और आप देख सकते हैं रेसिपी का जो कलर है वो बहुत अच्छा कलर हो चुका है, बहुत ही बढ़िया कलर आ रखा है। और कसूरी मेथी डालने के बाद सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारी आलू मटर मशरूम की जो रेसिपी है वो बनकर तैयार है। रेसिपी को बनाएं और खाकर ज़रूर बताएं आपको हमारी आलू मटर मशरूम की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें। तब तक देखते रहिए त्रिलोक फूड गैलरी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।